और ये नीचे है हेलीपैड। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज हमारा ट्रिप का पांचवा दिन है, छठा है ना? हाँ, छठा दिन है। और आज हम जा रहे हैं वैष्णो देवी। उससे पहले मैं जो पीछे हमारे बैठे हैं प्रतीक भाई, उनकी फ्लाइट है तो उनको एयरपोर्ट पे छोड़ना है। और जैसे कि हम प्रतीक भाई को छोड़ने जा रहे हैं तो इनकी सिस्टर की एंगेजमेंट भी है, तो इनको आज निकलना है और कल तक पहुँचना है। तो इनकी फ्लाइट यहाँ से हम जम्मू से हमने बुक करवाई है और इनको भुवनेश्वर तक जाना है। कहाँ तक? रायपुर तक। रायपुर जाना है। और राजेश भाई, आपका क्या कहना है इस चीज़ के ऊपर? मेरी बात सबसे बढ़िया हुआ, हम वापस आ गए वहाँ से। जो इंसिडेंट हुआ नहीं उसमें देखा, सुबह जो दो डेथ हो गई वहाँ पे गाड़ी में रह के, क्योंकि वहाँ स्टे करने लायक जगह नहीं थी वहाँ पे। तो सोचे थे कि चलो रास्ता पहुँच जाएगा तो सुबह चले जाएंगे वहाँ से। तो दो गाड़ी में हीटर लगा के कुछ भी सोए गए, याद तो नहीं, डेथ हो गई उनकी ऑन द स्पॉट वहाँ पे। मतलब पता भी नहीं पड़ा उनकी डेथ हो गई वहाँ पे कि क्या हुआ उनके साथ। जो होता है अच्छे के लिए होता है। चलो माता के दरबार जाएंगे। अब मैया ने बुलाया तो चलते हैं वैष्णो देवी। पहले प्रतीक भाई को छोड़ देते हैं, प्रतीक भाई को थोड़ा जल्दी भी है। और यहाँ पे एक फ्रेंड और मिलने वाला है, लव, वो हमारे राजेश भाई का भाई है, पबजी, वो भी हमारा पबजी फ्रेंड है, कजिन है राजेश भाई का। चलो मिलते हैं फिर आपको आगे। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes but now. और गाइस, हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, अभी फ्लाइट में 40 मिनट है, चलते हैं जल्दी। और गाइस, ये है जम्मू का एयरपोर्ट, ये है जम्मू एयरपोर्ट। और यहाँ पे हो रहा टेम्परेचर, मतलब एयरपोर्ट में जाने से पहले 95 नॉर्मल। और हम निकलते हो वैष्णो देवी के लिए, पहले उससे पहले लव को उठाना है, पबजी फ्रेंड है हमारा। और साहू भाई, बहुत सही भाई। Never wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I go. Never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone. It's so cold outside. I'm alone. I'm alright. और ये रही अपनी यात्रा पर्ची। यहाँ पे पहले चढ़ाई करने से पहले यहाँ पे एक बार यात्रा पर्ची कटवानी होती है। इसकी कोई कॉस्ट नहीं होती है, ज़्यादा ये सबको पता होगा क्योंकि ज़्यादातर सब आ चुके हैं यहाँ पर। वैसे पर्ची हमारी पहले से कटी हुई थी, पर हमारा एक फ्रेंड जो आ गया लव, उसकी वजह से फिर हमें दोबारा कटवानी पड़ी है। हम यहाँ पे कटरा स्टैंड पर हैं, ये कटरा स्टैंड के पास ही ये पर्ची कटती है। और हमने गाड़ी पार्क कर दी है पीछे, यहाँ पर पेड पार्किंग है यहाँ पर। और हमें जाना है ऊपर, वो दिख रहा है उसके पीछे है भवन, वहाँ जाना है हमको। चलो चलते हैं। और ये है चेकिंग पॉइंट, साइड में बैग देना होता है। और यहाँ पर नीचे चल रहा भंडारा, काफी प्रसाद बोल सकते हैं, प्रसाद मिल रहा है यहाँ पे, हमेशा चलता रहता है इस मंदिर पे। चलो चलते हैं। I always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the. और गाइस, ये जो पीछे घोड़े हैं ये भवन तक जाते हैं ऊपर, अर्धकुमारी तक जाएंगे वो लेंगे 550 रुपए, और पूरे ऊपर भवन तक जाएंगे वो लेंगे 1100 रुपए। हल्की हल्की सांस ऊपर नीचे होने लगी है। और जब हम ऊपर भवन के लिए जाते हैं तो यहाँ पे ऐसी शॉप पड़ती है, यहाँ पे कुछ खा लो पी लो, मैगी वगैरह, रेड बुल वगैरह एनर्जी के लिए, पराठे, बहुत चीज़, आलू के पराठे, गोभी पराठे, सब चीज़ है यहाँ पर। जैसे चढ़ाई से पहले आप कुछ खाना चाहो तो यहाँ कुछ खा सकते हो। और ये एक रास्ते में मंदिर है जो ऊपर चढ़ते चढ़ाई पर, उनका नाम है इच्छापूर्ण माँ भगवती दर्शन, सीता भजन।
चेतन भाई कैसे हो? चेतन भाई अभी तो ये शायद 1 किलोमीटर ही हुआ, शायद घोड़ा लेना पड़ेगा। क्यों नीड है? ज्यादा नीड है, बता नहीं सकता क्यों नीड है। भाई गाड़ी चलाई है, भाई भरी हुई है एकदम। अच्छा ये है लब भाई जो भी हमने बोला बताया था। ये अमरेशपुरी सिस्टर में भाई हुई है, सिस्टर है ये टिंटू सिस्टर। ये भी सही है। कहते हैं कि पेड़ों के पतझड़ होते हैं, इनके बालों के पत्ते होते हैं, इनके उड़ी हैं। ये भवन रास्ते में थोड़ा अर्धकुमारी से थोड़ा ऊपर यहाँ पे मिलते हैं बैटरी कार, जिनका रेट है 354 रुपये पर पर्सन। वो दिख रही होंगी आपको, ये हैं वो बैटरी कार्स जो जाती हैं। चलो चलते हैं आगे, जय माता दी। Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and die. Will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planted on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. और गाइस अपडेट अब ये है, हम आ चुके हैं 6 किलोमीटर पर, बचा है 4 किलोमीटर। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये आपको जो ब्लू ब्लू लाइन से जो दिख रही है, ये नया रास्ता है और ये बहुत ज़्यादा लंबा है, इसलिए मेरा सजेशन ये है पुराने रास्ते से ही आओ। क्या बोलना है इसके बारे में? पागला और क्या? ये हमारे चेतन भाई ऐसे खड़े हैं जैसे कि एक पाकिस्तान का एक प्लेयर ने कैचअप छोड़ा था तो स्टेडियम में एक वो बैठा हुआ था, तो वैसा एक मीम बना था। वो आपको मैं साइड में दिखा रहा हूँ उस तरीके से। चेतन भाई क्या हुआ? वो मुझे डंडा दे रहा। डंडा दे रहा फिर? तो मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, ले लो आपको चलाने जा रहा। अरे ना ले लेता, डंडा लेने में क्या प्रॉब्लम है? बहुत जान है पैरों में, पर आपकी चाल कुछ बदल सी गई है, समझ रहे हो? चाल कुछ ऐसे हो रही है जैसे दर्द हो रहा हो। ये इम्पोर्टी का डोसा लेने आए हैं। इस डोसे का प्राइस क्या है? 45 का है। और ये जगह जो है ये है, दिखा रहा हूँ मैं, ये है वो जगह श्री माता वैष्णो देवी डोसा पॉइंट हिमकोटी। भाई को भूख लग गया था, स्टार्ट हो गया। ये है ऊपर से व्यू। और गाइस हम साकेत पहुंच चुके हैं और यहां से भवन दिख रहा है मैया का, दिखाता हूँ। और ही मैया रानी का भवन जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लाइट जल रही है, लाइटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, वही है। यहाँ से मतलब 1 किलोमीटर और होगा, 1.5 किलोमीटर। और ये बेचारे थक गए हैं दोनों के दोनों, राजेश भाई और चेतन। कहाँ और चेतन भाई थोड़ा पीछे रह गए हैं, उनका ऐसी जगह पर दर्द हो रहा है, वो चल नहीं पा रहे हैं। और गाइस हम माता रानी के बहुत ज़्यादा करीब आ गए हैं, मतलब पास में आते आ रहे हैं, जैसे दिखाता हूँ बैक कैमरे से। 175 मीटर रह गए बस पहुँचने वाले हैं, ठंड भी बहुत हो गई है। मैं अपना कैप भी भूल गया था, विंटर कैप, तो अब ये मफलर बांधा है मैंने। ये था चेक पॉइंट, वहाँ पे चेकिंग वगैरह हो रही थी और यहाँ से चालू हो गए लॉकर वगैरह, सामान वगैरह रखने के लिए। बोरी मैया और यहाँ पे मिलता प्रसाद, 2 70 वाले और 2 130 वाले। तो गाइस कहानी अब ये है, यहाँ पे हमको VIP दर्शन करने का मौका मिला है, क्योंकि जो लव के फादर हैं कुछ ऑफिसर वगैरह हैं यहाँ पर। ठंड लग रही है, कैप लाना भूल गया। और ये रास्ता जहाँ से बस कुछ ही लोग जा सकते हैं दर्शन करने के लिए,
ये लोग है। और गाइस हमारे दर्शन हो चुके हैं सुबह में, लवाई का बहुत ज्यादा थैंक यू, इन्होंने मतलब हमारे बहुत जल्दी आया था, मतलब दर्शन हो गए, हमें लाइन में भी नहीं लगना पड़ा। पापा यहाँ के दरोगा है, दरोगा। हाँ तो यहाँ पर रोला चलता है, रोला। दर्शन से दर्शन करवाए हैं, मतलब आधे घंटे के अंदर दर्शन कर लिए हमने, जो हमें 3-4 घंटे लगे। आधे घंटे? हाँ, क्योंकि लाइन बहुत लंबी है। अरे वो लाइन 10 मिनट लगे होंगे, 10 मिनट लगे हमें। हाँ, 10 या 15 मिनट में हमारे दर्शन हो गए। अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा के पास दर्शन करने, वहाँ ऊपर सबसे ऊपर टॉप पर। और टाइम हो रहा है 9, लगभग 10 बजे तक पहुँच जाएंगे हम, लगभग 10 बजे तक पहुँच जाएंगे। रूम लेंगे इनके, दरोगा जी का रूम लेंगे हम, तो वहाँ पे सोएंगे, बस सोएंगे, सुबह उतरेंगे फिर। गाइस आपको मिलते हैं हम भैरव बाबा के पास, जितना पॉसिबल होगा उतना हम आपको कोशिश करेंगे, मतलब कि जितना दिखा सकें। चलो मिलते हैं हम आपको आगे। अरे ये और खुल गया, ये थाली है, ये 120 रुपए की एक थाली है, इसके बारे में क्या कहना। 10 रुपए की थाली, इससे टेस्टी मिलती है। केजरीवाल जी ने लगा रखा है ना जन आहार, जो भी 12 रुपए की प्लेट है वो भी इससे ज्यादा टेस्टी होती है, और ये 120 मतलब 10 गुना महंगी है उसके सामने, इसमें 20% की टेस्टी है, मतलब वो इससे लाख गुना टेस्टी होती है। और ये 120 रुपए में क्या घटिया माल दिया, अरे बस कंट्रोल। और गाइस हमारी भैरव बाबा की चढ़ाई चालू हो गई है, बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। रात हमारा भी प्रोग्राम जो था वो पोस्टपोन हो गया, क्योंकि चेतन की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, वो आया भी नहीं है। और खाली मैं हूँ, लव है और साहू है, काना। ये चढ़ाई सबसे तगड़ी है, एकदम खड़ी, हालत पतली करने वाली। चलो चलते हैं, ये यहाँ पर काम चल रहा है, भैरव बाबा का रास्ता रिपेयर होता हुआ। और ये नीचे है हेलीपैड, अगर कोई पैदल चल के नहीं आ पाता तो उसके लिए ये ऑप्शन बेस्ट है। इस चॉपर की एक साइड से टिकट होती है 1700 पता नहीं 1800 की, और सबसे बेस्ट है कि पहले ही ऑनलाइन बुक करें तो ज़्यादा सही है। वैसे इसकी 1700-1800 रुपये टिकट है एक साइड से, और आप जैसे जैसे कल करोगे तो जब कुछ ऐसे बैठेगी 4000 के आसपास। हमने करने की कोशिश करी थी, वो एक ही सीट अवेलेबल थी बस, और हम थे 5, इसलिए जब भी आए तो उससे पहले 20 दिन पहले देख लें, चेक कर लें। और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं मंदिर पर, और यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ है, भीड़ शॉप, यहाँ पे प्रसाद मिलता है, मैं भी ले लेता हूँ। और कैमरा कर देते हैं बंद। A few moments later, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है भैरव बाबा पे, देखो वो बर्फ पड़ी हुई है वहाँ पर पहाड़ों में के बीच में, दिख रहा होगा वाइट वाइट। यहाँ पे बंदर बहुत सारे हैं, लंगूर भी। Yo, I'm deep in the game, yeah. So you best know my name, yeah. Fuck all the money and fame, yeah. I'ma keep doing my thing, yeah. I'll be the best in the game, yeah. Everybody knows my name, yeah. Fuck all the money and fame, yeah. That shit is so overplayed, yeah. Parties they all look the same, yeah. Parties they all look the same, yeah. I'm here to change everything. So guys, हम अब नीचे आ चुके हैं कटरा पे, और हमारे दर्शन भी बहुत अच्छी तरीके से हो गए, भैरव बाबा के भी और वैष्णो देवी के भी। हम एकदम नीचे हैं, वो दिख रहा होगा आपको, वैष्णो देवी। सो गाइस चलते हुए हम जम्मू की ओर, राजेश्वर भाई को छोड़ना है, लब भाई को छोड़ना है, और टाइम हो रहा है कितना, हो रहा है 4:50 हो रहे हैं हुआ भाई।
भाई को विदेशी जमती नहीं है चेतन भाई, ऐसा है ना पुराने लोग के टाइम तो वहाँ जाते थे क्या बोलते हैं खेतों में, तो आपको एक बोतल ले आई है यार, खेत नहीं है ना इधर, और खेतों में बैठा था। अरे रास्ते में बहुत पड़ेंगे यार, स्टेट में आए ना हम, गंदगी क्यों फैलाना ना? ये बड़ी अच्छी बात कही यार, नीट एंड क्लीन जम्मू एंड कश्मीर। सो गाइस हम कटरा से निकलते हुए और माता रानी का दरबार पीछे, माता रानी का दरबार गजब बेइज्जती है, गजब बेइज्जती है। I already done it, and I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah, you know.